तो आज का जो वीडियो है आई वॉच 6 सीरीज है 44mm की, और इसका जो पूरा फोल्डर है कंप्लीट ये डैमेज हो चुका है, और इसका नया फोल्डर जो है हम पूरा नया फोल्डर इसको डालेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसकी फोल्डर को कैसे आपको रिप्लेस करना है और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, कितने टेम्परेचर पे और कब से कहाँ से पत्ता आपको निकालना है, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता लगेगा कि सीरीज 6 के अंदर, क्योंकि इसका जो पत्ता है 4 और 5 के अंदर पत्ते का जो डिमेंशन होता है ऊपर होता है, बट सीरीज 6 के अंदर डायमेंशन जो है यहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको कैसे ओपन करना है इसको पूरा वीडियो हम दिखाते हैं आज के, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसको कैसे रिप्लेसमेंट करनी है नई सीरीज की वो दिखाते हैं। देखो ये सीरीज 6 वाली वॉच है, ठीक है, तो क्या है फोल्डर कम्प्लीटली डैमेज है इसका, है ना। तो फोल्डर जब कम्प्लीट डैमेज है तो क्या करना है, नया पूरा ऐसे ही फोल्डर आता है, इसको ध्यान रखना है, इसको चेंज करना है, फोल्डर प्रॉपरली पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि 14-15 हज़ार रुपये का ये फोल्डर है जो LCD है इसका। तो मेन जो कनेक्शन जो पत्ते वाले होते हैं वो ये पत्ते वाले कनेक्शन होते हैं, जिसका ध्यान रखना है। और ये जो कनेक्टर्स आप देख रहे हो, ये जो कनेक्टर्स हैं, इन कनेक्टर्स की जो बॉन्डिंग है वो नीचे मदरबोर्ड के साथ टच होनी चाहिए, वरना आपकी जो वॉच है वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो उसका पूरा ध्यान रखना है, उस पर काम करना है। तो अभी जैसे ऑलरेडी हमें दिख रहा है यहाँ से कि ये टूटा हुआ है, देखो यहाँ से टूटी हुई है फोल्डर, ठीक है। नीचे इसको कौन इसको ऑन के केबलों भी ऑन कर दो, पल्ली 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 होगी तो करना होगा। तो अभी क्या करेंगे, पहले प्री हीटर के, ये प्री हीटर्स आते हैं अलग अलग, ठीक है ना, जो आप ऐसे नॉर्मली आप उससे भी कर सकते हो, और वो SMD से क्या है कि हवा इधर उधर चली जाएगी या हीटिंग चली जाएगी तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेपरेटर के ऊपर या नॉर्मल सेपरेटर के ऊपर ना इसको थोड़ा सा पहले गर्म कर लो। तो कभी भी जो भी आप LCD के ऊपर काम कर रहे हो या ध्यान रखना, उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाने देना। कभी भी आप LCD आपको रिमूव करनी है, स्क्रीन की LCD निकालनी है, कुछ निकालनी है, साइड पे ग्लू लगी है, उसका जो टेम्परेचर है वो 100 के आसपास ही रखो, उससे ज़्यादा ऊपर मत जाने दो उसको। ये कम से कम 80, हाँ 90 तो कम से कम चाहिए, हाँ 90 कम से कम चाहिए उसको। इससे क्या होगा, जो ग्लू है हमारी वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, जब वो निकालने में आपको आसानी होगी। जहाँ से ऑलरेडी ब्रेक है यहाँ से ही कोशिश करेंगे निकालने की। ट्वीज़र और ब्लेड जब आप डालो तो ध्यान रखना है सिर्फ इसके जो एंगल है वो उसी के ऊपर तक ही आना चाहिए, ठीक, नीचे नहीं जाना चाहिए।
दूध में वो साइड से आप क्या सब आते में ध्यान क्या रखना है, जो सीरीज़ सिक्स से नीचे वाली जो सीरीज़ है उसके जो पत्ते हैं यहाँ पर ऊपर हैं सिक्स में, और इसमें जो है यहाँ पर नीचे की तरफ है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है उस पर। ये कनेक्शन है और ये कनेक्शन है, ठीक है, तो फोल्डर को ध्यान से करना है, इसको पूरा आप बेंड कर दोगे तो यहाँ से टूट जाएगा वो, तो फोल्डर पूरा टूटना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेंड करके क्या ध्यान रखना है, यहाँ से ये पत्ता हम प्रॉपरली निकालना है और इसको डिसमेंटल करके, और यही LCD हमने दोबारा नहीं डालना। हाँ, ये कनेक्टर से नहीं, यहाँ पर कनेक्टर बैटरी ये, हाँ नहीं नहीं ये इसी पत्ते के अंदर है सब कुछ, मेन यही पत्ते हैं सारे, इसी का ध्यान रखने वाला था। चल रही है ना, तो मेन जो है ये पत्ते नहीं फूटे उसका ध्यान रखना हमें, तो स्लाइटली यहाँ से स्लाइड करके बना लियो तीन चार। अच्छा, तीन पूरा पीछे बनना एडिट करके क्या करना है, यहाँ पर ये जो पत्ते हैं इनके ऊपर एडहेसिव लगा होता है, यानी ग्लू लगा होता है, उस ग्लू को आराम से निकालना पड़ेगा पहले हमें। बड़ा डेलिकेट होता है ये, बड़ा ध्यान से निकालना है।
ये दो पत्ते हैं, ये जो कनेक्टर्स हैं हमारे, अब ये कनेक्टर्स के ऊपर यहाँ पर एक लॉक है, उस लॉक को निकालना पड़ता है हमें ध्यान से, ठीक है। तो ये लॉक है यहाँ पे, उस लॉक को निकालेंगे। ये लॉक ऊपर होगा, ये दूसरा लॉक, ये लॉक होने के बाद अब ये पत्ता जो पूरा अटैच है यहाँ से नीचे से है, पूरा पत्ता यहाँ से नीचे से अटैच है, ठीक है। इसको अब निकालना कैसे है, इसको यहाँ से निकालना है धीरे धीरे, टूटना नहीं चाहिए। बड़ा आराम से जेंटली इसको स्लाइड करना, और स्लाइड करने का इसका तरीका ऐसे नहीं खींचना, इसको ऊपर को खींचना, इसको हीट नहीं कर सकते, इसे इसे नहीं सेपरेटर से नहीं, नहीं हीट नहीं करना है इसको, ऐसे निकालना है। सर इफ एनी केस अगर ना निकले तो ज़्यादा स्टिकी हो तो नहीं, ये यूज़ करने ग्लू रिमूवर से आराम से निकल जाएगा। ओके, देखो ना आपके सामने में, बस जल्दबाजी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, स्लोली। चीज़ क्या है, हमारे पत्ते कनेक्टर्स देखो ओके हैं, ठीक है, हमारे कनेक्टर्स ओके रहने चाहिए, और हमारी जो एलसीडी है वो बाहर आ गई, ठीक है। तो ये एलसीडी हमारी बाहर आ गई। सर ये पूरा ही चेंज होगा जी, ये पूरा, हाँ ये पूरा फोल्डर चेंज होगा, सेपरेट हो सकता है, नहीं सेपरेट, अगर कांच टूटा और टच चल रही है फिर आपका ग्लास भी हो सकता है, बट इस कंडीशन के अंदर फोल्डर ही डैमेज है पूरा, ठीक है ना, डिस्प्ले ख़त्म हो गई है, हाँ डिस्प्ले साथ में चलेगी, ठीक है। तो मेन जो हमने पत्ता बचाना होता है, यही पत्ता हमने मेन बचाना है, जिसके ऊपर ध्यान रखना है, और इसके कनेक्टर देखो, कनेक्टर सारे गोल्डन टिप जो है जितनी वो प्रॉपर होके रहनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान। इसमें जहाँ जो गड़बड़ होती है यही होती है कि जब इसको पत्ते को निकाला है, अगर आपने डैमेज हो गया या उसको निकालते हुए या इसको छीलते हुए, ये वाली फ्लक्स डैमेज होगी तो एक्स्ट्रा होगा। हाँ सिक्स है ना, सीरीज सिक्स है, वही बनता है, ठीक है। सब कितना टेम्परेचर करना हीट करना पड़ता है, कोई भी एलसीडी हो बेटा उसको 80 से ऊपर नहीं, 100 से ऊपर नहीं जाने देना, 80 और 100 के बीच में रखनी है, ठीक है ना। उस केस में आपकी एलसीडी डैमेज नहीं होगी, अगर उससे ऊपर जाओगे तो आप डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ जी, एलईडी और टीएफटी का दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है? ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का। तो अभी क्या करेंगे, इसको जो नीचे का जो सारा ग्लास है, ठीक है ना, पूरी एलईडी लगी हुई है ग्लास पे, और पूरा ग्लू है, और नीचे ग्लास टूटा हुआ है सारा, अभी देखो इस ग्लास के नीचे वो पूरी ग्लू होती है, पूरी ग्लू को निकालना पड़ेगा अभी।
क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये जो नज़र आ रहा है ना ब्लेड, ये जो ग्लास के नीचे है ये, मैं इस चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरे उसके ऊपर लगाता है, अगर आपके ये हाथ में आ जाएगा तो आपकी जो रिमूविंग है ये आसानी से हो जाएगी। इसी के ऊपर मेन चिपका होता है सर, फ्रेम होता है नहीं नहीं होता, छोटा लगा जो वाटर प्रूफिंग होती है। अच्छा है ये आपके हाथ में आ गई तो आसानी से रिमूव हो जाएगी। और ध्यान हमेशा रखना जो ब्लेड की पोजीशन है वो बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, आपकी बाहर की तरफ होगी तो साइड्स में कट लग जाएंगे, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अब यहाँ पर पत्ता है, बड़े ध्यान से काम करना है उस पर, पत्ता ना कट जाए। अभी यहाँ से कॉर्नर से हमने क्या देखना है कि सारी जो ग्लू है वो भी हट जाए। क्योंकि हमने दोबारा ऊपर ग्लू लगानी है तो अपने को सारा नीचे से क्लीन चाहिए दोबारा। कॉर्नर्स पे देखना पड़ेगा एक बार, कॉर्नर्स पे ब्लेड ना चला के हम हल्का हल्का सा जो क्लीनिंग है ट्वीज़र से करेंगे। ये 3D ट्वीज़र्स आती हैं अलग तरीके से, तो ट्वीज़र से क्या है आपके आउटर पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा, स्क्रैच अगर पड़ा भी तो अंदर की तरफ पड़ेगा जो दिखेगा नहीं, वरना कस्टमर की वॉच ख़राब हो जाएगी। क्लीनिंग सारी होगी, ओके।
तो अभी एलसीडी की बात। कांच में नीचे रह गई एलसीडी पे मैं वही ना, ठीक है। तो अभी इसका पहले लॉक खोलेंगे, सेम लॉक यहाँ ऊपर है इसका हल्का सा। ये आ गया, बड़े जेंटली ये लॉक खोल रहे हैं ऊपर से, ये लॉक है देखो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इस फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स हमने लगा दी है इसमें, तो फ्लैक्स बड़े आराम से आपको ध्यान से लगानी है ताकि फ्लैक्स का जो पत्ता है वो कटे ना। और फ्लैक्स लगाने के बाद इसको आप ग्लू से दोबारा पेस्ट कर सकते हैं, ग्लू से पेस्ट, नॉर्मल जो रीलाइफ की ग्लू आती है ब्लैक कलर की, आप उसको लगा के और इसको एलसीडी को हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और फोल्ड करके और इसके ऊपर रबर बैंड लगा के हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे तो फोल्डर हमारा लग जाएगा। तो अभी क्योंकि जो इस कस्टमर की जो वॉच थी इसकी बैटरी चार्जर हमारे पास नहीं था तो इसलिए हमने अभी इसको ऑन नहीं किया और हमने ग्लू नहीं लगाई, क्योंकि ग्लू लगाने से पहले एक बार एलसीडी को आपको चेक कर लेना चाहिए। तो हमने इसकी बाद में एलसीडी लगा के चेक कर ली थी, चेक ओके थी और बस सिर्फ आपको उसमें ग्लू लगानी है और ग्लू लगा के आप रबर बैंड से इसको फोल्ड करके और कस्टमर को आप दे सकते हैं और आपकी एलसीडी इस तरीके से आराम से बन जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी कोई लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी रिपेयरिंग की, तो हम आपको YouTube के ऊपर देते रहेंगे यार नॉलेज।